कि महाप्रभु बोलिए तेलुग में व्यवहार नहीं कर सकता, मैं सन्यासी, लोग हमें क्या बोलेंगे, बोले क्या आपके लिए इतना कष्ट करके मैं लाया और उसको आप व्यवहार नहीं करोगे। जैसे सत्य बाबा ना, सत्य बाबा का कथा जानते कि नहीं, एक समय भगवान कृष्ण द्वारका में सब रानियों के साथ में बैठे हुए थे। एक दिन नारद जी एक फूल लेकर के आए, पारिजात फूल, कहाँ से, स्वर्ग से, और उन्होंने पकड़वा दिया कृष्ण को हाथ में, बोले देखो कृष्ण ये रानियों में जो सबसे जिसको ज्यादा प्रेम करते हो ना, ये फूल उनको देना। कृष्ण बोले ये कहाँ से नारद झगड़ा लगाने के लिए आ रही, क्योंकि जब जब किसी रानी के साथ में रहता हूँ मैं अकेला में बोलता, तेरे को मैं जितना प्रेम करता हूँ ना और किसी को इतना प्रेम नहीं करता, ये तो मेरे सारे हार बाहर फोड़ देगा, यहाँ पर खोल खोल जाएगा। हाँ बोले कहाँ से लड़ाई झगड़ा करने के लिए आ गए। इतने में बोले नारद जी, बोले देखो जल्दी दो, मेरे पास समय नहीं, मेरे को जाना, जिसको सबसे ज़्यादा प्रेम करते दो। कृष्ण पास में सबसे बड़ी रुक्मिणी सब पास में बैठी हुई थी, वो फूल उन्हें रुक्मिणी दे दिया। सत्य वामा का तर्जन गर्जन देखो, उसने खड़ी होकर ना प्यार पटकती हुई और क्रोध कुमार तमतमाते हुई, हाँ बोले सबको सामने नार कान कटवा दिए, आप मेरे को बोलते सबसे ज्यादा प्रेम करते, यही प्रेम कर दो, बात सब फेंक फाक करके मान भवन में जा करके महिला वस्त्र पहन कर लेट गए। कृष्ण देखा नारद जी कहाँ से झगड़ा लगाने आ गई, बड़ा कष्ट। फिर उन्होंने गए सत्य वामा के ऊपर हाथ रखते ना, सत्य हाथ फेंक दिए, बोले आप जितने ऊपर से काले ना अंदर से और ज्यादा काले, आप मेरे को बोलते हो सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, दिखाएगा ना आप किसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, सब उसका सामने मैंने ना कल कटवा दिया। हाँ क्योंकि सत्य वामा को नहीं, राधा जी के अंश से, राधा रानी के अंश से ये सत्य वामा आई है, और ये रुक्मिणी कौन है, ये चंद्रावली के अंश से ही आई, राधा रानी के माँ जानते हैं दुर्जय माँ है। कृष्णा बोले एक फूल के लिए इतना क्रोध कर रहे हो, हाँ आपके लिए तो मैं पारिजात वृक्ष है ना, स्वर्ग से उखाड़ करके मैं पारिजात वृक्ष ले आऊंगा, अब तुम एक फूल के लिए इतना क्रोध कर, तुम ज्यादा बोलो मत, जो एक फूल नहीं दे सका वो पारिजात पेड़ ला कर देगा, ज्यादा बोलते हो, चुप रहो, ज्यादा बोलो मत, लड़ाई झगड़ा करते ही नहीं संसार में, इसलिए बोले चुप रहो संसार। इतने में बोले चलो, बोले ले चलो, अरे उन्होंने ले करके स्वर्ग गए और सारे देवता को साथ में कोई देने के लिए पेड़ तैयार नहीं हुए, सबको साथ में लड़ाई झगड़ा करके पेड़ ला करके उन घर को सामने जब लगा दिया सत्य वामा, और जितने रानियाँ थी ना सबको फिर दोबारा बुलाए, बोले देखो ये मत समझो एक फूल तो उन्होंने रुक्मिणी को दे दिया, ये मत समझो सबसे ज़्यादा इसको प्रेम करते हैं, मेरे लिए तो स्वर्ग से वृक्ष उखाड़ करके लाए घर के सामने, उन्होंने फिर सबको निमंत्रण दिया आप मेरे घर में, क्यों सबसे ज़्यादा उसको प्रेम नहीं, सबसे ज़्यादा मेरे को प्रेम करते हैं, क्योंकि मेरे लिए कहाँ से ले आए, मेरे को फिर स्वर्ग से उखाड़ करके ले आए, फिर दो बार सबको निमंत्रण दिया, देख कर दिखाया देखो कृष्ण मेरे लिए कैसे पेड़ लाए। वो सत्य भगवान का आदर्श है ना इस जगदानंद पंडित के, इसलिए ये जगदानंद पंडित एकदम फोड़ दिए, हाँ यहीं पर उन्होंने फोड़ दिया था। चैतन्य महाप्रभु अभी उनको जिस लीला काम के लिए आए थे ना, वो लीला समाप्त हो गया है, महाप्रभु जगत छोड़कर के जाने का है। इसलिए नियम होता है जिसको बुला करके लाते हो फिर उनको भी विसर्जन, मतलब उनको भेजना भी चाहिए, इसलिए यही जगदानंद पंडित को द्वारा अद्वैत आचार्य ने नवद्वीप से जब ये जगदानंद पंडित आ रहे थे फिर महा ये हमारे अद्वैत आचार्य उनको बुला करके लाए थे, इनको हाथ में एक प्रहेलिका एक पत्र लिख करके भेज दिया, सुनने के लिए तो एक लेकिन अंदर में एक कहते आउल के कही बाउल हाटे ना बिकाय चावल, मतलब एक पागल दूसरे पागल से बोल रहे हैं, बोले क्या, बोले हाटे ना बिकाय चावल, और हाट में ना चावल नहीं बिक रहा है, जो जिस चावल को बेचने के लिए आए थे, मतलब जगत में प्रेम देने के लिए आए थे ना, वो प्रेम ऑलरेडी सबको दे चुके हैं अभी, और प्रेम बिक नहीं रहा है। प्रभु मैंने आपको बुलाया था जगत में, आप मेरे वजह से आए हो, अभी दुनिया में प्रेम वितरण हो गया है, अगर आपकी और इच्छा हो ना प्रभु आप जा सकते हो अपना धाम में। कि जगदानंद पंडित जब उन्होंने महाप्रभु को पत्र दिया ना, उन्होंने पूरा गंभीर हो गए महाप्रभु, क्यों अभी जगत छोड़कर नहीं जाना, फिर महाप्रभु गंभीरा में हैर तो जिस काम के लिए आए थे, राधा रानी की प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए बैठ बैठ करके एकदम उसी लीला में राधा जी की बात में डूबते हुए प्रेम का आस्वादन की, इसलिए जगदानंद पंडित है। ठीक है सीताई गौर प्रेमानंद रिटर्न देखा लीजिए सो मेरी पास टाइम ओके okay?